आगामी गणेश चतुर्थी एवं अनंत चतुर्दशी पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने तथा पर्व के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श हेतु शांति समिति की बैठक एसडीओपी रक्षपाल यादव की अध्यक्षता में स्थानीय मुख्यालय के थाना परिसर प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें बैठक में मुख्य रूप से थाना प्रभारी एसआई सुनील शुक्ला, एसआई अंजलि राजपूत एवं स्टाफ सहित नगर के गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं मुस्लिम समुदाय व पत्रकार बंधुओं की मौजूदगी रही। बैठक में एसडीओपी ने सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना महामारी एवं तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए कहा कि गाइडलाइन का पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि इस बार गणेश उत्सव में जुलूस एवं झांकियां नहीं निकाली जाएंगी, वहीं 10 से अधिक व्यक्तियों के पंडालों में उपस्थित न हो। इसी तरह किसी भी सार्वजनिक पंडालों या धार्मिक क्षेत्र में एक साथ 25 से 30 लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो, उसमें भी सोशल डिस्टेंस एवं मास्क सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य रहेगा। एसडीओपी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में गणेशोत्सव की तैयारियों के अलावा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ पंडालों में मूर्तियों के विसर्जन होने को लेकर अन्य अहम चर्चा की गई एवं साधारण रूप से ही शांतिपूर्वक व भाईचारे से त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए। वहीं एसडीओपी ने नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं आपसी प्रेम सद्भाव की मजबूती के लिए दोनों समुदाय के लोगों से सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह नगर क्षेत्र आपसी भाईचारे व सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। यह नगर एकता के लिए एक अनूठी मिसाल है और कहा कि सामूहिक भीड़भाड़ इकट्ठा न करें, इसका ख्याल रखें, सामाजिक दूरी रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एवं अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए व विशेष सावधानी बरतें एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। को लेके शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए? शासन द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं हम लोगों को, जो अभी गणेश जी की स्थापना होना है, गणेश जी का जो त्यौहार है, उसके बाद फिर देवी जी का की स्थापना होगी, दशहरा का त्यौहार होगा, दीपावली, ये लगातार त्यौहार है, तो त्योहारों के मद्देनजर जो है कुछ निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं कि जैसे 30x45 का पांडाल होगा, एक जगह 10 आदमी से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे और जो भी होंगे वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे और कोरोना के मद्देनजर तीसरी लहर कोरोना की आने की संभावना है, उसके मद्देनजर ये एहतियात बरती जा रही है और हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि सभी लोग जो है मास्क की और इसके बारे में भी सबको अवगत कराएं और साथ ही साथ धार्मिक त्यौहार तो मने लेकिन भीड़ भाड़ ना हो, 10 आदमी के रहे, मतलब 10 लोग ही रहें एक पांडाल में, इस टाइप के शासन के निर्देश हैं। और अपने जो जहां स्थापित होती रही है गणेश विसर्जन छोटे रूप में करें हर साल की, इससे ज़्यादा भीड़ भाड़ और जुलूस पूरी तरह मनाही है, कोई जुलूस ही निकलेगा किसी भी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।